मेरा नाम मनजीत कौर है, जलंधर से रहने वाली है, पिंड कोटला वा। मैनु डॉक्टर ने कैंसर दसी सी, उन्होंने बच्चेदानी च दसिया सी। हाँ जी, कैंसर 2.5-3 लाख खर्चा होगा। पटेल हस्पताल ने दसिया सी सानू भी आन के दाखिल हो जाओ, ऑपरेशन ढाडा हो गया। इतने आ गया PGI च आ गया। असि बहुत खज्जल खराब होए। हाँ जी, बाद PGI आए। PG वाले ने भी 2 महीने भी अपन रिपोर्टा कीतिया, उन्होंने 2 महीने पूरे रिपोर्टा कीतिया। फिर बाद इतने आए हैं तो सू 1.5 महीना उदाउन हो गया से। फिर गुटका साहब तुम दिता, असं पढ़ते रहे जिदा तुम दसिया। असी जाके सवेर में तड़के एसी शरण करके पाठ शुरू करता। दिन चढ़िया 10 बजे, इन्होंने रीला लाइनिया शुरू कर दतिया। वो असं 2 बार भी दिहाड़ी वेख लेनिया, 3 बार वेख लेनिया। गुटका साहब सवेरे पढ़ लेना, शाम दोपहर के टाइम भी पढ़ लेंगे सके। जो गुटका साहब रखा उन्होंने सीढ़ियाँ ला लेंगे, उन्होंने नाल ही सू बस असी पारण करता। 24 घंटे सीढ़ियाँ सुनते रही, गुटका साहब ही पढ़ते रही। अस बाइया दिनों बाद आए PGI, उन्होंने कहा भी बिल्कुल ठीक। पहले उन्होंने सू कहता ही ढा अंदर गलिया पाया, थोड़े अंदर कुछ नहीं गा। बाद 22 दिनों बाद अस आए, इन्होंने सू दसता भी थोड़े बिल्कुल रिपोर्टा वधिया आई। मैंने यकीन नहीं आता जब इन्होंने मैंने इतने दसा, इतने बैठे सानू भी इन्हें दसिया। मैं यकीन ना करा, मैं मेरे को पर्दा रख दे। डॉक्टर ने मेरे मुँह तो कहा भी ढा अंदर गलिया पाया, ढाडे बच्चे कुछ नहीं, तो हूँ मेरे को ओला रखते हैं। मेरा अंदर एड्डी शरीर कितों ठीक हो गया। तो मेरे भैन भरावों ने कहना भी नाल आए से मेरे, वो कहते तेरा हूँ कोई दुखदा। मैं मेरा कुछ नहीं दुखता। अगर मैं कहते साड़ पैंता, मैं साड़ नहीं पैंता। कहते फिर तू यकीन क्यों नहीं करती। मैं एड्डी शरीर कितों रमान आ गया। वो कहते भी गुटका साहब तू पढ़िया वा, सीढ़ियाँ लाइया वा, 3-3 दिहाड़ी सुनती रही। मालक की मेहर होगी, तू रात दिन एक किया होया से, रोटी तू भुला दी सी, तो सीढ़ियाँ सुनने तो गुटका साहब निश्चित भुलाई होंगी। कहना मैं रात दिन पढ़ती रहा। तू भैन भरा भी आता, वो तू बी नहीं सी होंगी, तो गुटका साहब की गल करती होंगी सी। भी आ गुटका साहब सानू दिता, मंगल सिंह ढिल्लों आए आ, उन्होंने गुटका साहब सानू दिता बंदे वाले ने, तो उतो असी पढ़े प्रचार उन्होंने किया वा। वो सुनिया असी रात में, फिर असं घर आ के तो गुटका साहब पढ़ना शुरू कर दे। सानू मालक ने कृपा की, तुसी सन सीधे राह लाया, मालक ने कृपा की, धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा की। असं वो लड़ लगे सच्चे दिल के नाल। हाँ जी, वही रिपोर्टा असं फिर जलंधर दिखाइया जाके, उन्होंने कहता भी ये चमत्कार होया वा सर। भी उदा तो बिल्कुल कोई दुख नहीं है, मैं सिर दुख की दवाई नहीं खाती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारो, जिमें तुसी इन्हां नूं सुनिया, गुरु कोई जरिया बनाउंदा है, कोई बहाना बनाउंदा है। इत्थे साडे अर्गे निर्गुणा नूं बहाना बनाया, जरिया बनाया। ये PGI दे विच खज्जल खुआर हुंदे फिरदे सी, इन्हें आप ही दस्या तुहानूं सारिआं नूं, किन्ने महीनिआं तों कित्थे कित्थे खज्जल खुआरियां, किन्ने टैसट, किन्ने ऑपरेशन, ते किन्ना खर्चा। एक एक स्कैन का 10-10 हज़ार रुपया खर्चा, 2.5 लाख ऑपरेशन का खर्चा। तो सारे खर्चों तो मेरे मालिक ने इन्हों बचाया। ये आप तुहानू दस रहे है क्यों, की लोड़ है इन्हों, ये दस रहे इस करके ताकि ये दुनिया के सब तो व्डे पुन के हिस्सेदार बन सकन, उहदे हकदार बन सकन। क्योंकि जे तुसी किसी नू प्रेर के आपकी आप बीती दस के, साड़ी मुहिम साड़ी सेवा का मकसद ही ये है कि जे कोई ठीक हुंदा है गुरबाणी नाल, रब के नाम नाल, अल्लाह के नाम नाल, गॉड के नाम नाल, भगवान के नाम नाल ठीक हुंदा है, क्योंकि वह बापू के नाँ है, बापू इको ही है, वो सिक्ख्या भी इको ही है। तो जे कोई ठीक हुंदा तो दूजे नूं जाके दसे कि मैनूं डॉक्टर ने यह कहा, मैं सारे पास्यों हार गया, मैनूं मौत नज़दीक दिसण लग पई, सामने दिसण लग पई। पर जदों कोई जरिया बनता मालक किसी तरीके, जे कोई चंगे कर्म किए हुंदे है तो मालक कोई जरिया बनाउंदा है, कोई बहाना बनाउंदा है, जिवें इत्थे बनिया। तो जे इन्हां दी आप बीती सुन के तुहाडा यकीन परपक हुंदा, तुसीं सुन लग पैंदे हो, पाठ करन लग पैंदे हो, तो तुहानूं रब का लड़ मिल जाता है, रब का नाम मिल जाता है, रब का दर मिल जाता है। तो ये भी महापुन के हकदार होणगे। इस करके उन्हां नूं विशेष तौर पर असीं बेनती करके सद्या ताकि ये भी इस जानकारी का हिस्सा बन, इस सुनेहे का हिस्सा बन, ताकि आपां सारे ही रौला तपाउंदे फिरदे आ। गुरुद्वारां दे विच भी कीर्तन चलता रहिंदा है, कथावां हुंदियां रहिंदियां, नगर कीर्तन हुंदे आ, पर कोई सुन नहीं रहा। आ तुहाडे सामने प्रमाण है कि सिर्फ 22 दिन इन्होंने सुनिया, सिर्फ 22 दिन सुनिया। तो 22 दिनों के कैंसर जिन्हें PGI के डॉक्टर ने कहा कि अंदर सब कुछ गल चुकया, उतों के डॉक्टर ने जलंधर ने की कहा, तुहानूं स्कैन विखाए असी,
कि कोई उम्मीद नहीं तो करते डरे हुए इन्हों कोई दसते नहीं सके तो इन्हों आप यकीन नहीं आता सी भी जो कह रहे कि यह सच है अजिहा मालिक का ना है अजिही उसकी ताकत है। साड़ी बेनती है कि आप सिर्फ गल्लां ना करिए आप सिर्फ कर्मकांड च ना पै रही है आप सिर्फ एक मकैनिकल एक्सरसाइज ना करिए जिवें गुरु साहिबान ने सानू समझाया है सानू दस्या सारी बाणी दुहाई दी जांदी है आप सुनिया करिए सुनिया दुख पाप का नाश तो प्रमाण है कि इन्होंने सुनिया तो इन्हों जवाब मिलया तो ये उद्धार होगा जिवें असीं अक्सर ये कहने गए हैं कि हो सकता तुसीं बीमारी का धन्यवाद कर लग पो एक ये अवस्था होवे कि तुसीं बीमारी का धन्यवाद कर लगो कि हे कैंसर जे तू ना हुंदा तो मैं रब दे लड़ किवें लगदी हे कैंसर तेरा धन्यवाद है कि जे तेरे करके मेरे सारे राह बंद ना होंदे तो मैं थक के हार के सुनना किवें शुरू कर दी आ पाठ करना किवें शुरू कर दी तो मैनूं यकीन किवें आउंदा कि हाँ मालक है मालक जर्रे जर्रे दे विच विराजमान है मालक दे नां दे विच इन्नी ताकत है तो उहदा प्रमाण तुहाडे सामने बैठा है। ये सिर्फ गुजारिश का इस सेवा का मकसद इन्ना ही है कि किसी भुलेखे च ना रहो इत्थे PGI दे इस गुरद्वारा साहब दे सानूं मिले सी ते असीं इन्हां नूं वो DVDs दो गुरबाणी के कौतक भाग एक गुरबाणी के कौतक भाग दो ते उस दे नाल एक CD शब्दां दी वो तुहानूं इन्हां नूं दित्ती ते उहदे नाल एक पॉकेट गाइड असीं नूं कहिंदे हैगे गुटका साहब है जिहदे विच शब्द है 7 शब्द ते 9 तुकां उह CD दे विच वी है ते उह गुटका साहब दे विच वी है। इहनां तुहानूं दस्सिया कि उसदा ही लगातार पाठ करदे रहे ये CD नूं सुणदे रहे ये उन्हां फिल्मां नूं जाके पहलां वेखदे आ फिल्मां वेखण दा मतलब यह है कि बंदे नूं यकीन आवे कि जे इन्ने सारे लोग ठीक हो सकते हैं गुरबाणी दे नाल जिन्हां डॉक्टर ने जवाब दिता होया सी कि तुहाडी बीमारी का कोई इलाज नहीं तो फिर मैनू किवें आराम नहीं आऊगा वो यकीन दवाउण वास्ते आ फिल्मां Part 3 Part 4 Part 5 बनी जांदे क्योंकि इन्ने सारे लोग ठीक हो गए है गुरबाणी दे नाल ते वो लोग जिन्हों डॉक्टर ने जवाब दिता क्योंकि जिन्हों डॉक्टर जवाब दिंदा है उही गुरबाणी वल आउंदा उही गुरु दे दर लगदा दर ते आउंदा गुरु दे लड़ लगदा दूजा आउंदा इहनूं तां डॉक्टरां कोल जांदा। सो ये तुहाडे कोल प्रमाण है तो सानू सारयां नू ये तो सेध लैके अपने मन नू समझाउणा चाहीदा जिवें इन्हां ने वो फिल्मां वेखियां इन्हां दा मन मन्निया क्योंकि जदों मन मनदा हैगा तो फिर ही खड़दा नहीं तो भजदा है मनदा नहीं गा इन्हां ने उन्हां नू वेख्या मन मन्निया फिर इन्हें सुनिया फिर होर मन्निया तो फिर वो गुटका लैके पाठ करना शुरू कर दिता क्योंकि वह सब तो वधिया विधि है कि तुसीं आप गुरु साहब ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला शब्द गुरु है सुरत नू एक समर्पित चेले वांगू उहदी धुनी ते उहदी साउंड ते जोड़ना है। इन्होंने उही कीता कि पाठ कीता वह विधि सी जो गुरु साहब ने दसी है कि पाठ करी जाना तो आपदी आवाज़ नू सुनी जाना तो उस बाणी ने कन्ना रहे अंदर जाके तुहाडे पापा नू धो देना तो जे पाप धोते गए तो बीमारी ने अपनी आप खत्म हो जाना यदा प्रमाण तुहाडे सामने है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।